तो ये है टोमेटो केचप सॉस है, और ये है जाम, ये है चोको स्प्रे, और ये है मायोनीज। इन सब में से शायद ही कोई चीज होगी कि जिसे यूज किए बिना आपका दिन निकलता होगा, लेकिन आपने कभी भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ये सब जो खा रहे हो वो क्या सही में आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए क्या सही है, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें क्या डालते हैं। जो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है फ्रेश टोमेटो, फ्रेश टोमेटो देखकर आप सीधा उठा लोगे जैसे ही मार्ट में जाओगे, लेकिन इसके बगल में आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर बीटा लिखा है, बी लिखा है। आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा कि ये क्या है, है ना। फ्रेश टोमेटो दिखा, परचेस कर लिया, लेकिन ये फ्रेश टोमेटो केचप के पास में जो बी लिखा है वो क्या है वो आपने नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखिए क्या लिखा है, बी का मतलब है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब कि ये जो फ्रेश टोमेटो केचप लिखा है वो उनका ब्रांड नेम है, वो इस पैकेट के अंदर जो आइटम है, जो खाने की आइटम है, उसे नहीं दर्शाता है, उसकी क्वालिटी को नहीं दर्शाता है, लेकिन यह फ्रेश टोमेटो केचप उनका ब्रांड नेम है और आप ये लिखा देखकर खरीद लेते हो। उसी तरह से आप देखोगे विद 100% रियल टोमेटोज लिखा है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अल्फा लिखा है, ए लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन वो अल्फा के बारे में इस पैकेट के पीछे के पार्ट में कहीं पर भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, कहीं पर भी उसकी डिटेल ही नहीं है। अगर आप लोगों को मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या। चलिए ये तो हमने देख लिया इसके हेडिंग के बारे में, अब हम देखते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। जो इसका सर्विंग साइज है वो 15 ग्राम का है, 15 ग्राम में आप प्रोटीन जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, कार्बोहाइड्रेट 4.6 ग्राम है, उसमें से शुगर 4.4 ग्राम्स है, और डायट्री फाइबर और फैट का अमाउंट जो है वो निग्लिजिबल है, ट्रेस अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इसके अंदर, ट्रांस फैट जो है वो ट्रेस अमाउंट में है। जो भी आप खा रहे हो इसके अंदर से उसमें ज्यादातर जो है वो शुगर है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में शुगर के अलावा कुछ है ही नहीं, ना प्रोटीन का अमाउंट है ना फैट का अमाउंट है, तो आप जो कुछ भी खा रहे हो वो ज्यादातर मात्रा में शुगर ही खा रहे हो। अब देखते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो सबसे ज्यादा होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे ज्यादा जो है वो है वाटर, ऑब्वियस है कि पानी सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे है जो उसमें है टोमेटो पेस्ट 28% कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी का उसमें वाटर है जो आगे ही लिखा है, और तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो शुगर है। उसके बाद है आयोडाइज सॉल्ट, नमक है, एसिडिटी रेगुलेटर है, स्टेबिलाइजर है 1422415, प्रिजर्वेटिव है 211, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड कंटेन्स परमिटेड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। सिंपल सी टोमेटो केचप की चीज में कितनी सारी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो ये आपको यहाँ पर पता चलती है। ये उसी का छोटा भाई है यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया केचप के बारे में। जान के कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स बताएगा। दूसरी चीज है जो ज्यादातर बच्चे कंज्यूम करते हैं ब्रेड में, रोटी के साथ में कंज्यूम करते हैं, वो है जाम। टिपिकल जो इसका वैल्यू है, सर्विंग साइज इसका भी 15 ग्राम है, 15 ग्राम में से प्रोटीन मिल रहा है वो ट्रेस अमाउंट में, मतलब ऑलमोस्ट नील प्रोटीन है, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो है वो 10.6 ग्राम, 15 ग्राम में से 10.6 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है, और उसमें से 10.3 ग्राम शुगर है, मतलब कि सारा ही सारा शुगर है, ऐसा समझ लीजिए आप। जो 15 ग्राम ले रहे हो उसमें से 10.3 मतलब 10.5 ग्राम सिर्फ इसके अंदर शुगर है। डायटरी फाइबर्स जो है वो 0.1 ग्राम है, फैट का अमाउंट जो है वो इसमें ट्रेस है, टोटल फैट, ट्रांस फैट नील है, सोडियम 2 मिलीग्राम, बस विटामिन B6 वगैरह, B7 है, जिंक है वगैरह। सो 15 ग्राम की इसकी जो सर्विंग साइज है उसमें से आपको 10.3 ग्राम सिर्फ शुगर मिल रही है, मतलब कि अगर हम इसका 100 ग्राम में से निकाले कितना परसेंटेज इसमें शुगर है तो आप हैरान हो जाओगे। इसके अंदर मतलब समझ लीजिए 70% इसमें शुगर है, शुगर। और ये हमारे बच्चे जो है वो ब्रेड पर रोटी पर लगा कर खाते हैं, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे पोषण मिलेगा। टेस्टी तो लगेगा ही, क्योंकि यह सारी जो चीज है उसमें बहुत सारी शुगर है। ये देख लिया आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू, अब हम देखते हैं कि जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। मैंने पहले ही बताया जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज होती है उसे सबसे पहले लिखी जाती है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सबसे पहले लिखा है शुगर, और शुगर ही होगा ना क्योंकि 70% तो शुगर है। मिक्स फ्रूट पल्प ब्लेंड 46% कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अंदर जो पल्प डाला गया है वो है पपाया पल्प, पियर पल्प, बनाना पल्प, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो पल्प, ग्रेप जूस, ये सब मिलाकर इसके अंदर डाला गया है। एसिडिटी रेगुलेटर 330, थिकनर्स 440, थिकनर्स वगैरह इसलिए डालते ताकि ये जो है वो गाढ़ा बने। विटामिन, मिनरल्स, जिंक सल्फेट और वगैरह इसके अंदर है। प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। कंटेंस परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर, वो तो ऑब्वियसली डालना ही पड़ेगा ये लाने के लिए। 1-2 एंड एडेड फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल रास्पबेरी, आर्टिफिशियल पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस, तो ये सब हमारे बच्चे खाते हैं और हम आशा रखते हैं कि वो फिट बने, हेल्दी बने, उनको कोई डिसीज ना हो, इन्फेक्शन ना लगे। और तीसरी चीज इसकी बड़ा जलता नहीं, ये है
कोको स्प्रेड है ना, कोको स्प्रेड। ये भाई साहब को देखते हैं हम कि क्या है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। 100 ग्राम में इसमें जो कैलोरी है वो है 533 कैलोरीज। भाई जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो डब्बा है 180 ग्राम का, इसमें जो टोटल कैलोरीज है इतने डब्बे में जो है 960 कैलोरीज, मतलब कि ऑलमोस्ट 1000 कैलोरी है इसमें। आप सोचिए सब खाने के बाद हमारे बच्चे या हम खुद खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, हमारी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। 1000 कैलोरीज मतलब क्या हुआ। सो पर 100 ग्राम में मिल रहा है 533 कैलोरीज। प्रोटीन जो है वो 6.3 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 57.5 ग्राम है, उसमें से शुगर है 56.3 ग्राम। मतलब कि ये जो डिब्बा दिख रहा है इसमें से 57% मतलब कि ऑलमोस्ट 60% इसमें शुगर है। फैट जो है वो 31% इसमें फैट है, और उसमें से ट्रांसफैट 0.1 है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 10.6 है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, मैंने पहले बताया था, जो सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले होगी, सबसे पहला लिखा है शुगर, होगा ही ना भाई, 56-57% तो शुगर है इसमें। दूसरा है पाम ऑयल। आते हो आप रसोई बनाते हो तो पाम ऑयल डालते हो? नहीं डालते हो, लेकिन ये सब खाते हैं हम क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसमें क्या डाला। सो नंबर 1 है शुगर, नंबर 2 है पाम ऑयल। शुगर, पाम ऑयल, रिफाइंड, बंद बंद आग से बंद कर भाई। नंबर 3 पर है हेजलनट्स, जो नट्स आती है वो उसमें डाली गई है, 13% कॉन्सेंट्रेटेड होगी। स्किम्ड काउ मिल्क पाउडर है, लो फैट कोको पाउडर है, एमल्सीफायर है, कंटेन्स एडेड फ्लेवर, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। तो ये हो गया कोको स्प्रेड, और उसके बाद है अब ये वेज मायोनीज, ट्रेंडिंग फूड है, इसके बिना लोगों को चलता नहीं है, क्योंकि एडिक्शन जो लगता है ना वो लगता है हमें शुगर का, फैट का, सॉल्ट का एडिक्शन। और ये सारी जो आइटम है जितनी भी पैकेट फूड होती है वो सब में शुगर जो है वो भर के देते हैं ये लोग। शुगर है, फैट है, और सोडियम मतलब कि सॉल्ट, ये सब खुल के डालते हैं, दिल खोल के डालते हैं, क्योंकि आप दिल खोल के खाओ, और दिल खोल के खाओगे तो दिल खोल के पेट भी बढ़ेगा। वो बेचारा अंदर क्यों रहे, वो बोलेगा मैं भी बाहर आता हूँ। 100 ग्राम का जो पैक है वो आपको दे रहा है 502 के। बोलो ये कितने ग्राम का है पैकेट, 100 ग्राम। बोलो ये छोटा पैकेट में 500 कैलोरी है, कुछ बोलो। हम एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं, एवरेज पर्सन जो एक्सरसाइज करता है जनरली एवरेज 300 कैलोरी के आसपास वो बर्न करता है। एक पैकेट इतना छोटा सा है ना, उसमें 500 कैलोरी है, सोच लीजिए। मुझे पता है ये एक साथ में नहीं खा जाओगे आप, लेकिन अगर आप सोचे इसका अगर आपने 25% भी यूज किया तो भी कितनी कैलोरीज होगी, गिन लीजिए। तो पर 100 ग्राम में कैलोरीज जो है वो 502 कैलोरी है, प्रोटीन 0.5 ग्राम है मतलब ऑलमोस्ट नील है, फैट का अमाउंट जो है वो 51.8 ग्राम है, और उसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो 9.2 ग्राम, और सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो पर डे का 13 ग्राम है। अगर ये सब खा रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो ट्राई करो इन सारी चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या डाला गया है। जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले लिखा होगा। तो नंबर 1 पर है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल कोई भी हो खाना ही नहीं है। नंबर 2 पर है वाटर, नंबर 3 पर है शुगर, नंबर 4 पर है मिल्क सॉलिड्स, आयोडाइज सॉल्ट, लेमन जूस, एमल्सीफायर एंड स्टेबिलाइजर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये है आपका वेज मायोनीज। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि ज्यादातर लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं, और बच्चों को तो इसकी आदत सी पड़ गई, इसका एडिक्शन लग गया है कि सुबह के नाश्ते में अगर सॉस नहीं है, अगर चोको स्प्रेड नहीं है, जाम नहीं है, तो बोलेगा मैं सुबह का नाश्ता कैसे करूं। इसलिए आज हम आपको 7 ऐसे ऑप्शन देने वाले हैं, ये सबको आप रिप्लेस कर सकते हो और अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में उसको यूज कर सकते हो। और वो ऑप्शन ऐसे है जो आप घर पे ही बना सकते हो, इंस्टेंट बन जाएगा, और उसे स्टोर कर सकते हो, मतलब कि आप 10-15 दिन तक उसे स्टोर करके रख सकते हो, आपको हर रोज उसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजों को मैं हटा रहा हूं अभी यहां से, और आपके सामने पेश करता हूं जबरदस्त ऑप्शन जो हमारी भारतीय परंपरा पर आधारित है, हमारी जो ट्रेडिशन है, जो गुजराती लोग हैं, महाराष्ट्रीय लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो सभी लोग अपने घर में सालों से परंपरा के अनुसार यूज करते थे। लेकिन जो ये 21वीं सदी आई, इंटरनेट का जमाना आया और वेस्टर्न फूड को हमने एडॉप्ट किया, ये सारी चीजों को हम भूल गए हैं, उसे हम वापस लोगों के घर में लाना चाहेंगे। आपकी हेल्थ सुधरे, बच्चों की हेल्थ सुधरे, सीनियर सिटीजन की हेल्थ सुधरे, यंगस्टर की हेल्थ सुधरे, सबकी हेल्थ सुधरे। तो यहां पर जो है वो 7 ऑप्शन है आपके सामने, और ये 7 ऑप्शन इतने हेल्दी है कि आप पूछो मत, ये 7 ऑप्शन को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला फूड ऑप्शन है पिकल, यानी कि आचार। शायद ही कोई घर होगा जहां पर आचार ना बनता हो, आप कोई भी आचार खा सकते हो, आम का आचार, मेथी चना का आचार, गार्लिक का आचार, गोंदे का यानी कि लसोड़ा का आचार, कोई भी आचार ले सकते हो।
घर का अचार हो तो सबसे बेस्ट है, और घर का नहीं है तो आपके घर के नजदीक किसी गृह उद्योग का लोकली जो बनता हो उसे खरीद लीजिए बड़ी ब्रांड्स के अचार खरीदने के बजाय, ताकि उसमें प्रिजर्वेटिव, कलर्स और थिकनर्स की मात्रा कम हो। दूसरा फूड ऑप्शन है मसाला दही, घर का बनाया हुआ। एक कटोरी में जरूरत के हिसाब से दही निकाल लीजिए। थोड़ा तीखा करना हो तो लाल मिर्ची ऐड कीजिए, जीरा ऐड कीजिए, चाहो तो उसे भून भी सकते हो, स्वाद अनुसार नमक। अब दही को अच्छे से हिला लीजिए, ये हो गया तैयार आपका मसाला दही। रोटी, पराठा या कोई भी गर्म नाश्ते के साथ आप इस मसाला दही को आराम से खा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है नारियल की चटनी। नारियल को तोड़ के उसके छोटे छोटे पीस करके मिक्सी के जार में डाल दे, एक मुट्ठी सिंगदाना और जरूरत के हिसाब से हरी मिर्ची उसमें डाल दे। ये देखो, ये कबूतर भी मजे ले रहे हैं। छोटा सा ये अदरक, एक छोटा सा पीस अदरक का, जरूरत के हिसाब से नमक, थोड़ी सी नॉन रिफाइंड चीनी और थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मिक्सी चला दे। इस कोकोनट चटनी को एक कटोरी में निकाल ले और इसमें राई, हींग और करी पत्ता का तड़का लगाकर कोकोनट चटनी में डाल दे। तो यह है पोषक तत्वों से भरपूर कोकोनट चटनी तैयार। कटोरे में निकाल के आप इसे स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में, और कोई भी उपमा, चीला, हांडवा, ढोकला, किसी भी ट्रेडिशनल नाश्ते के साथ आप इसे खा सकते हो। चौथा ऑप्शन, आप जब कुछ मीठा खाना चाहते हो तब पसंद कर सकते हो घी गुड़। जितना जरूरत है उतना ही बनाइए। एक कटोरे में देसी गुड़ ले लीजिएगा, जो रिफाइंड गुड़ आता है येलो कलर का वो मत लीजिएगा, देसी गुड़ जो ये ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो गुड़ लेना है, और एक चम्मच देसी गाय का घी लेना। देसी गाय का घी जो थोड़ा येलोइश कलर का होगा और दानेदार होगा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो, हो गया आपका घी गुड़ तैयार। चोको स्प्रेड या जाम लगाने की जगह आप घी गुड़ लगाकर जरूर खा सकते हो, और सुबह की रोटी के साथ गरम गरम इसे खाओगे तो मजा पड़ी जैसे। कुछ मीठा खाना हो तो घी और गुड़ बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 5, दरबारी लसूनी चटनी। इसे बनाने के लिए एक कटोरी छिला हुआ लसून ले लीजिए और खलबत्ते में इसे क्रश कर लीजिए। अच्छा टेस्ट लाने के लिए मिक्सर का यूज मत करना, खलबत्ते में ही इसे क्रश करना। जरूरत के हिसाब से लाल मिर्ची और सेंधा नमक डाल के इसे फिर से क्रश कर लीजिए। गैस चालू करके कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखिए। पीसा हुआ लसून डाल के कंटिन्यूअसली इसे हिलाते रहिए। ये 15-20 दिन का स्टॉक है, एक दिन में मत खा जाना इतना सारा तेल और मिर्ची। पतला करने के लिए थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। तो दरबारी चटनी तैयार है। ये चटनी आप रेगुलर बेसिस पर खा सकते हो, और इसे असल दरबारी टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा दही या गाढ़ी छाछ हिलाकर मिक्स करके डाल दीजिए। तो ये है हमारे दरबारी स्टाइल गार्लिक चटनी। टन 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 टन, खाइए इसे मस्त पराठे के साथ, रोटी के साथ, थेपला के साथ, हांडवा ढोकला के साथ, इडली के साथ, और मजे लीजिए। अला ना लड़सो ना, ये देखो, ये कब से लगे हैं मजे कर रहे हैं, ये भी मजे करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बाय बाय ना होय। ये जो खलबत्ता में हमको लसन सब तोड़ना है ना, कूटना है ना, तो लेडीज आप सब लोग सुनिए, आपको ये मेहनत नहीं करने की, आपके घर पे जो भी लड़के है पुरुष है ना, उनको दे देने का, बोले तोड़ो ये, तो क्या काम करेंगे, पूरे दिन मोबाइल यूज करते रहेंगे, बोलने का हेलो खलबत्ता और इसे तोड़ो, हाँ वो तोड़ देंगे, आपको हेल्प करेंगे थोड़ा प्यार से कहना। लेकिन तो ये है हमारी गार्लिक चटनी तैयार। ऑप्शन नंबर 6, जब भी आपको टोमेटो सॉस की तरह कुछ खट्टा मीठा खाने की इच्छा हो तो यह खजूर और इमली की चटनी जरूर ट्राई करना। चटनी बनाने से 1 घंटे पहले इमली को पानी में भिगो दे, 1 घंटे बाद इमली को छलनी से छान ले, खजूर के बीज निकाल के उसे कटोरी में रख दे, इस खजूर को मिक्सी में डाल के क्रश कर ले। अब इस खजूर की चटनी को इमली के पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से हिला ले। गैस चालू कीजिए, इमली और खजूर के मिक्सर को गर्म करने के लिए रख दीजिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल मिनिमम रखिए, और जरूरत के हिसाब से लाल मिर्ची, सेंधा नमक और देसी गुड़, ब्राउन गुड़ ऐड करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल मिनिमम रखना, और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। हो गई आपकी इमली और खजूर की चटनी तैयार। इसे आप पराठा, रोटी या ब्रेड के साथ में कंज्यूम कर सकते हो। जहां पर आप केचप यूज कर रहे हो, टोमेटो सॉस यूज कर रहे हो, उसकी जगह पर आप इस खजूर और इमली की चटनी को यूज कीजिए। इसे ट्राई कीजिए, इसे खाने के बाद आप कभी टोमेटो सॉस को याद नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर 7, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर है, हरी धनिया और फुदीना की चटनी। अगर ये हम नहीं खा रहे हैं तो इंडियन होने का कोई फायदा नहीं है हमें।
इसे बनाने के लिए धनिया को काट के मिक्सर के जार में डाल दे। जरूरत के हिसाब से हरी मिर्च डालिए और थोड़े से पुदीना के पत्ते डालिए, 4-5 करी पत्ता और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालिए, 1-2 मुट्ठी सिंगदाना, 1-2 बड़े चम्मच घर का बनाया हुआ देसी गाय का दही, थोड़ी सी काली मिर्च और चटनी बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से पानी डालिए। अब जार को बंद करके थोड़ी देर के लिए मिक्सर चला दीजिए। जब तक पूरी तरह से चटनी ना बन जाए तब तक इसे क्रश कीजिए। जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। वाह, क्या खुशबू आ रही है धनिया और पुदीना की। हमारे घर पे बनाई हुई चटनी जिसमें ना कोई थिकनर से, स्टेबिलाइजर से, प्रेजर्वेटिव से, फ्लेवर है कुछ नहीं। जो भी इंग्रेडिएंट है सारे नेचुरल है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर। इस चटनी को 10-15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़े बस फ्रिज में से निकालिए और खा लीजिए। चटनी को खाते वक्त इसमें आधा नींबू निचोड़ के डाल दीजिए ताकि इस चटनी में रहे हुए पोषक तत्व हमारा बॉडी अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाए। अगर आपको लगता है कि हम इस 7 इंडियन देसी चटनी से, इंडियन देसी सॉस से, टोमेटो केचप, जाम, चोको स्प्रेड, मायोनीज जैसे पैकेज आइटम को रिप्लेस करके अपने बच्चों को और हम खुद को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके आपका ओपिनियन जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।